हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज आम डिस्कशन करवा ओ डबल एस ओमेन जिकार किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ हूँ दुई नंबर पार्ट, आगर पार्ट वन वीडियो अपलोड हो सारी, जो मैंने देखी ना प्लेलीस्ट भिड अच्छी जाए देखिपारे। तो समय ना क्लास मिस करूँ ना, भिड स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना एवं सब्सक्राइब करनी पाखे घंटी चिन्ह दबाई दिंतु, जहाद्वारा कि मुझे जितेबले भी कौन सी वीडियो अपलोड करी आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपर। तो चलतु स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही, मदर टेरेसा ओन नोबेल प्राइज फॉर, मदर टेरेसा क्या नोबेल प्राइज पाई, यार सठिक आंसर टी पीस। तो से केते मसीह नोबेल प्राइज पाई ना, 1979 मसीह 1979 मदर टेरेसा नोबेल प्राइज पाई पीस शांति 1979 मसीह। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही, आपण मानक मन रखापी पड़ो। तापर दुई नंबर कौन रही, तो यहाँ साइंस उपर क्वेश्चन रही, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहा पाखरु प्रोटेक्ट करने बीसीजी वैक्सीन दि जाए थाए, यार सठिक आंसर टी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस पाखरु प्रोटेक्ट करने बीसीजी वैक्सीन दि जाए थाए। तो देखु यार आ गोटे क्वेश्चन आसी थाए, बीसीजी रो फुल फॉर्म कौन पचारि थाए। तो बीसीजी रो फुल फॉर्म होउछि बासिलस काल्मिटी गुएरिन। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैश। तो बॉडी रो हार्डेस्ट पार्ट कौनटा, यार सठिक आंसर टी टू थिनामेल। तो बॉडी रो हार्डेस्ट पार्ट होउछि टू थिनामेल। नेक्स्ट, द सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज ऑफ डैश। तो देश में सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस क्या कहा जाए, तो यार सठिक आंसर टी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया राष्ट्रपति ऑफिस को फास्ट मोस्ट सीनियर ऑफिस कहा जाए, ठीक अच्छे। तो यार आपण मानक किसी एक्स्ट्रा पॉइंट कौच मन रखु, प्रेसिडेंट होती इंडिया हेड, प्राइम मिनिस्टर होती गवर्नमेंट हेड, आउ चीफ जस्टिस होती इंडियन जुडिशियरी हेड। जुडिशियरी मान हूँ न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी। तो यार समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रही, आपण मानक मन रखापी पड़ो। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री ओन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। प्रथमे केउ देश क्रिकेट वर्ल्ड कप जीति, तो यार राइट आंसर टी होउची वेस्ट इंडीज। तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज, आउ का मध्ये रहीथिला ना ऑस्ट्रेलिया मध्ये रहीथिला, ठीक अच्छे। तो सेथिरे ऑस्ट्रेलिया हारीथिला, वेस्ट इंडीज जीतिथिला। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप केते मसीह रहीथिला, एटा मध्ये इंपोर्टेंट रहीची ना 1975, ठीक अच्छे। प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप होता वेस्ट इंडीज आउ ऑस्ट्रेलिया मध्य, तो ये वेस्ट इंडीज जीति, ऑस्ट्रेलिया हारी। जदि एग्जाम पचारे कि केबे होता ना 1975, ठीक अच्छे। तापर छ नंबर कौन रही, व्हिच द ऑथर ऑफ प्रमिज मी ए मिलियन टाइम्स। प्रमिज मी ए मिलियन टाइम्स बुक रो ऑथर किए, यार राइट आंसर टी होउची केशव अनिल। प्रमिज मी ए मिलियन टाइम्स बुक अथर होउचंती केशव अनिल। तो जो मैंने वीडियो को लाइक करना फटाफट लाइक कर दिंतु एवं सब सांग मान सहित शेयर मध्य कर दिंतु, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब पूरा उड़े दिंतु। नेक्स्ट, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो इंडिया राष्ट्रपति किपरी इलेक्ट होता, यार राइट आंसर टी होउची बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इंडिया राष्ट्रपति इलेक्ट होता। नेक्स्ट, व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस इन इंडिया। तो इंडिया रे कौन गवर्नर जनरल पोस्टल सर्विस स्टार्ट करथिले, तो देखिबा केते जन यार राइट आंसर जानिछंती। यार सठिक आंसर टी होउची लॉर्ड वारेन
हेस्टिंग्स ठीक अच्छे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स केते मसीह गवर्नर जनरल थिले ना 1773 रु 1784 पर्यंत ठीक अच्छे। तो इंडिया रे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पोस्टल सर्विस स्टार्ट करिथिले। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स केते मसीह गवर्नर जनरल थिले ना 1773 रु 1784 पर्यंत। तो यहाँ मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है आपण मानक मन रखापे पड़ो। नेक्स्ट हु एबोलिस्ट जिजिया टैक्स किए उठे दे थिले। तो यहाँ इजी क्वेश्चन रही समस्ते प्राय यार आंसर टी जानते आंसर हो अकबर ठीक अच्छे। तो से केते मसीह जिजिया टैक्स उठे दे थिले ना 1564 रे ओके। जिजिया टैक्स अकबर उठे दे थिले 1564 मसीह। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच प्लेस। नर्मदा नदी कौन जगार ओरिजिनेट हो उत्पत्ति है यार राइट हैंड साइड टी हूँ अमरकंटक। अमरकंटक हूँ मध्य प्रदेश रे ओके। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश रे अमरकंटक रु ओरिजिनेट हो उत्पत्ति है। नेक्स्ट द फास्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधीज खेल रत्न अवार्ड इज। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम किए पाई यार सठिक आंसर टी हूँ विश्वनाथन आनंद। तो से केते मसीह रे पाई 1992 रे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन थे दि जाए था ना स्पोर्ट्स रे ओके। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम किए पाई ना विश्वनाथन आनंद 1992 मसीह। तो ये अवार्ड कौन थे दि जाए था ना स्पोर्ट्स रे ओके। मन रखु 2022 रे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रोहित शर्मा को मिली थिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक रो ऑथर किए। तो ये क्वेश्चन टा एग्जाम रे बहुत थर आसी सारी यार सठिक आंसर टी हूँ जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक रो ऑथर होती जवाहरलाल नेहरू। तो मन रखु इम्पोर्टेंट रही। तापरे 13 नंबर कौन रही द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ट्रांजिस्टर तैयारी करने कौन दुईटी एलिमेंट यूज होता है यार राइट आंसर टी हूँ सिलिकॉन एंड जर्मानियम। तो ट्रांजिस्टर तैयारी करने सिलिकॉन एवं जर्मानियम ये दुईटी एलिमेंट यूज होता है। नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ बजेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ। तो कहार वायसरॉयल्टी समय रे इंडिया रे बजेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता। तो यहाँ मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही यार राइट आंसर टी हूँ कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग रे वायसरॉयल्टी समय रे इंडिया रे बजेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता। नेक्स्ट नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। तो इंडिया रे कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल पोस्टेज स्टाम्प इंट्रोड्यूस करिथिले यार राइट आंसर टी हूँ लॉर्ड डेलहाउजी। तो इंडिया रे लॉर्ड डेलहाउजी पोस्टेज स्टाम्प इंट्रोड्यूस करिथिले। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर कहा द्वारा मेजर कर जाए। तो यहाँ मध्य साइंस उपर क्वेश्चन रही यार राइट आंसर टी हूँ साइग्मोमैनोमीटर। साइग्मोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर कर जाए था। तापरे 17 नंबर कौन रही 49th पैरेलल इज ए बाउंड्री बिटवीन। तो 49th पैरेलल क्या क्या मध्य रही यार राइट आंसर टी हूँ यूएस एंड कनाडा ठीक अच्छे। 49th पैरेलल रही यूएस एवं कनाडा मध्य ओके। मन रखु इंडिया एवं पाकिस्तान मध्य कौन लाइन रही रेड क्लिप ओके। तापरे इंडिया एवं चाइना मध्य कौन लाइन रही ना मैकमोहन लाइन
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରେଡ୍ କ୍ଲିପ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାକମୋହନ ଲାଇନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଫ୍ରମ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ଼୍ସ। ତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ସାଇଡ଼୍ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। ତ ତ୍ରିପୁରା ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ସାଇଡ଼୍ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ସାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ଇନ୍। ତ ସାଉଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇଥାଏ ସଲିଡ଼୍ରେ, ଆଉ ମିନିମମ୍ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସଲିଡ଼୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଠି ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଲିଡ଼୍। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟିଲ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଇବନ୍ ବାଟୁଟା ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍। ତ କାହାର ରାଜତ୍ୱକାଳ ସମୟରେ ଇବନ୍ ବାଟୁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ୍। ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ୍ଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକାଳ ସମୟରେ ଇବନ୍ ବାଟୁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥିକେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି। ତ ମାନବ ଶରୀରରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥିକେଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ କେଉଁଟା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫିମର୍। ଓକେ, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥିକେଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ହେଉଛି ଫେମର୍। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ରୁଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ 1859। 1859 ମସିହାରେ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଚାର୍ଲେସ୍ ଡାରୱିନ୍। ତ 1859 ମସିହାରେ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବହି ଚାର୍ଲେସ୍ ଡାରୱିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଇସରାଇ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଇସରାଇ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମେଇଡ଼ା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଇସରାଇ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମେଇଡ଼ା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍। ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିବାଜୀ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଶିବାଜୀ ମରାଠା କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ରଷ୍ଟ ଫ୍ରି। ତ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ୍ରୋମିୟମ୍। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କ୍ରୋମିୟମ୍ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ରେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କୋଲକାତା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ନା କାହାର ରାଜତ୍ୱକାଳ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ। ତ କେତେ ମସିହାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା, ନା 1911ରେ? ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂର ରାଜତ୍ୱକାଳ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ କେତେ ମସିହାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା, ନା 1911 ମସିହାରେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ପାଟାଳୀପୁତ୍ର। ପାଟାଳୀପୁତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଉଦାଇନ୍। ଉଦାଇନ୍ ପାଟାଳୀପୁତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହାରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପୁଲକେସିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଲକେସିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ମେକିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ। ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ?
यार राइट आंसर टी होची फास्फोरस। तो मैच बॉक्स तैयारी करने पर फास्फोरस एलिमेंट यूज होई थाई। तापरे 30 नंबर कौन रही थी, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन इकोनोमिस्ट टू हैव वन द नोबेल प्राइज। तो प्रथमे कौन भारतीय इकोनोमिस्ट नोबेल प्राइज पाई, एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। यार राइट आंसर टी होची अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन होती प्रथम भारतीय इकोनोमिस्ट जे कि नोबेल प्राइज पाई। तापर लास्ट क्वेश्चन कौन रही, गांधीजी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन। तो गांधीजी ब्रिटिश रूल को एंड करिया पई क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च करी थिले, तो से केते मसिया रे लॉन्च करी थिले। क्विट इंडिया मूवमेंट रे उड़िया होची भारत छाड़ आंदोलन। तो ये क्वेश्चन टी आपण मानको होमवर्क दउची, ए क्वेश्चन रे आंसर टी आपण मानको कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पई पड़िबो। तो आज रे मोरे वीडियो टी आपण मानको केमिति लागिला, जदि भल लगला तले गोटे लाइक करिवे, संग मानको शेयर करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी।